हर सुमंग उल्लास रंग तरंग के इस पावन पर्व होली की नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फैशन चैनल के माध्यम से गूंज काव्यमाला के द्वारा संस्कार धानी के युवा रचनाकारों से लेकर वरिष्ठ रचनाकारों तक की कविताएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं। होली के इस पावन पर्व पर एक विशिष्ट आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें शहर के मूर्धन्य साहित्यकार आज इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। जब फागुन के रंग झमकते हैं तब देख बहारे होली की, महबूब नशे में झुकते हैं तब देख बहारे होली की, कवि नजीर बनारसी ने ये कहा था। और किसी ने ये कहा कि महफिल में आज आए हैं थोड़ी सी छान के, ये होली का त्यौहार ऐसा ही है, सब नशे में रहते हैं, काम के नशे में रहते हैं। महफिल में आज आए हैं थोड़ी सी छान के, इस वक्त हम जमी के हैं और ना है आसमान के, वो त्रिशूल एक निशान है जिसकी दुकान का, हम पीने वाले हैं उसी ऊंची दुकान के। तो जिन लोगों ने इस होली के त्योहार में मूड बनाया, भगवान शंकर के पावन चरणों में अपना नमन पहुंचाया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। गंग से ऊंची तरंग उठत जब अंग में आवत भंग भवानी, तो ये भंग भवानी से पूरा शहर सराबोर है और सब आनंद ले रहे हैं होली का, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। हमारे बीच में ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जबलपुर के बहुत ही समर्थ और सच्चे रचनाकार आज इस मंच पर बैठे हुए हैं, होली के माध्यम से एक शुभ संदेश देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहन माधुरी से आग्रह करता हूं कि वे इस काव्यमाला का शुभारंभ करते हुए आगे बढ़ाएं और नगर के वरिष्ठ रचनाकारों की कविताएँ आप तक पहुँचाएँ। आइएगा माधुरी जी। सभी को नमन है। आज गूंज काव्यमाला में हमने होली पर्व के उपलक्ष्य में संस्कारधानी के सभी वरिष्ठ कवियों को यहाँ आमंत्रित किया है, तो गूंज संस्था की ओर से होली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, रंग बिरंगी रंगों के साथ सभी का जीवन सुखमय रहे, यही मैं कामना करती हूँ। हमारे बीच आज उपस्थित है संस्कारधानी के गौरव माननीय डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी, पूर्व आकाशवाणी अधिकारी रह चुके, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काव्य पाठ किया है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय मनीष तिवारी जी, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। निशांत दुबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आज गूंज काव्यमाला में उनका अभिनंदन है। हमारे बीच वरिष्ठ कवि माननीय मनोज शुक्ला जी उपस्थित हैं और मेरे आग्रह पे यहाँ उपस्थित हुए आज गूंज काव्यमाला में, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं नगर के वरिष्ठ हास्य कवि इंद्र बहादुर जी, माननीय मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मैं नगर के वरिष्ठ कवि माननीय संतोष नेवा जी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, जो कि राष्ट्रीय कवि संगम जबलपुर के जिला अध्यक्ष हैं, हृदय से स्वागत है भैया आपका। हमारे बीच उपस्थित हैं गूंज के साहित्य संयोजक सत्येंद्र गोटिया जी, जो युवा कवि हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मनोहर चौबे आकाश जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि गूंज के संरक्षक हैं, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय उमेश मिश्रा जी, जो कि गूंज के संस्थापक हैं, होली के पर्व पर मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। गूंज काव्यमाला में मैं सबसे प्रथम आमंत्रित करती हूँ माननीय डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी को, जिन्होंने हम सब का निर्माण किया और हमें आगे बढ़ाया। आज हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि पत्थर को पिघला दें वो असर रखते हैं, पत्थर को पिघला दें वो असर रखते हैं, दुनिया को हिला दें वो जिगर रखते हैं, और वो लाख बेखबर हों जमाने से, और वो लाख बेखबर हों जमाने से, मगर हम सबकी खबर रखते हैं। लीजिए हमारे बीच उपस्थित हैं बैजनाथ गौतम जी, मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ। मित्रों, बसंत और होली एक दूसरे के पर्याय। बसंत आते ही होली का एहसास हो चलता है, और खास तौर से जब बुंदेलखंड की होली हो तो इसकी अलमस्ती कुछ प्रकृति के ऊपर भी दिखती है। शायद रीतिकाल के दो
महाकवि सेनापति और पद्माकर यहाँ के टेसू के फूल देखकर इतनी अच्छी रचनाएं कर सके, ऐसा लगा है कि रीति काल में जो वर्णन किया गया है बसंत का वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो इसलिए होली और बोली का भी संबंध है। होली चाहे वो बुंदेलखंड की हो चाहे ब्रज की हो, जो बोली में जो होली बोली ठिठोली ये एक दूसरे के पर्याय हैं। और कहा भी जाता है कि होली इतनी अलमस्त है कि इसमें जो ठिठोली होती है छेड़छाड़ होती है इसका भी अपना एक अलग रंग है। आज देखिए मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर एक चूँकि अलमस्त अवसर है इसलिए एक बुंदेली गीत पेश कर रहा हूँ, लीजिए सुनिए। मोरे सैया उड़ा रहे अबीर एगुया मोस खेले होरी, मोरे सैया मोरे सैया मोरे सैया उड़ा रहे अबीर एगुया मोस खेले होरी, मोरे सैया भोर भये से बिरुझ समरिया, भोर भये से बिरुझ समरिया चुनरी पकड़ मोरी आए अटरिया, चुनरी पकड़ मोरी आए अटरिया बे तो तन कौ धर तु नैया धीरे गुइया मोस खेले होरी, मोरे सैया मोरे सैया मोरे सैया बहुत अच्छा। मोरे सैया उड़ा रे अबीर एगुया मोस खेले होरी, पाके अकेली मन की कर रे, पाके अकेली मन की कर रे रंग बिरंगे दोनों हो गए से सैया भये हैं बेपीरिया मोस खेले होरी, ऐसे सैया भये हैं बेपीर एगुया मोस खेले होरी। बारी न नदिया लय पिचकारी, बारी न नदिया लय पिचकारी ड्योरप कर लई बैया हमारी, ड्योरप कर लई बैया हमारी मोर सिर से झटक लोची मोस खेले होरी, मोर सिर से झटक लोची एगुया मोस खेले होरी। और आखिरी बंद देखे, घर से भागी लाज की मारी, घर से भागी लाज की मारी प्रेम जता के उनसे हरी बेजुहोरी में रंग गौ शरीर एगुया मोस खेले होरी, बेजुहोरी में रंग गौ शरीर एगुया मोस खेले होरी। मोरे सैया मोरे सैया मोरे सैया उड़ा रे अबीर एगुया मोस खेले होरी। अभी आप सुन रहे थे संस्कार धानी के गौरव डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी को। बैजनाथ गौतम जी ने भी आपके सामने बुंदेली गीत के माध्यम से होली की शुभकामनाएं हम सबको दी। हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिनकी जुबां से, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जिनकी जुबां से निकले शब्द कभी नुकीले नहीं होते, कि जिनकी जुआ से निकले शब्द कभी नुकीले नहीं होते वे कभी लाल पीले नहीं होते। और अगर वे भी बैठ जाते घर में औरों की तरह तो इस संस्कार धानी में कला के कबीले नहीं होते। हृदय से उनका धन्यवाद देती हूँ। और आइए मैं आमंत्रित कर रही हूँ संस्कार धानी के वरिष्ठ कवि हास्य कवि इंद्र बहादुर जी को। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छंद से शुरुआत करता हूँ।
आया होली का त्योहार खुशियां मनाओ यार, आया होली का त्योहार खुशियां मनाओ यार, प्रेम से रंगो दिलों को होली के ही रंग में। आया होली का त्योहार खुशियां मनाओ यार, प्रेम से दिलों को रंगो होली के ही रंग में, दुश्मनी को छोड़ प्रेम बंधनों को आज जोड़, प्यार से दुलार से गुलाल मलो तज के कुरीत रीति सभ्यता के अपनाओ, तज के कुरीत रीति सभ्यता के अपनाओ, कीचड़ उछालो न सुधार करो ढंग में, और छल दम्भ देश त्याग सबसे मिलाओ हाथ, होश में रहो ना डूबे रहो गांजा भंग में। और एक पति पत्नी की बात छंद के माध्यम से, जिनके 8-10 बच्चे हैं वो आपस में होली खेल रहे हैं, तो पत्नी पत्नी क्या बोलती है देखिए, कि होली में रंग डाल डाल लाल लाल करो। क्या बात है, होली में रंग डाल डाल लाल लाल करो, मैं तो तुम्हें देख शर्म से ही लाल हो गई। क्या बात है, और इतना ना प्यार से खिलाओ पिलाओ मुझे, खाते पीते रोज मैं तो फुटबॉल हो गई, और तान तान पिचकारी बार बार मारो नहीं, गीला गीला तन हुआ मैं बेहाल हो गई, और अपने चिल्लरों की अपने चिल्लरों की टोली को संभालो पिया, लोग क्या कहेंगे मैं तो टकसाल हो गई। और एक पति महोदय होली खेलने जा रहे हैं, तो होली खेलने चले गए और काला काला मुख लिए जब घर आए, तो पत्नी क्या बोलती है कि काला काला मुख लिए जब घर आया पति, पत्नी ने पूछा काहे चेहरा छिपाए हो, और बिन बतलाए तुम घर से चले गए, छुप छुप जाने की वजह न बताए हो, और लाल पीले कपड़े हैं गीला है बदन पिया, लाल पीले कपड़े हैं गीला है बदन पिया, बतलाओ बात क्या है क्यों घबराए हो। क्या बात है, पर होली के त्योहार में सौतेला क्यों व्यवहार किया, मेरे होते कहां मुंह काला कर आए। सुंदर, आपके सामने प्रस्तुत किया कुछ पत्नी की गाथाएं प्रस्तुत की कि पत्नी मोटी हो गई दुबली हो गई, मतलब भांति भांति के प्रकार से पत्नी को प्रस्तुत किया, तो मैं तो यही कहूंगी इंद्र बहादुर जी कि भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है और हवेली टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है और हवेली टूट जाती है। जनाब सुन रहे ना आप जी, तो किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी रहती है और रस्सी छूट जाती है। ऐसे हाल है जनाब, तो पत्नी तो मोटी दुबली होती रहती है, झेलना पड़ता है सहना पड़ता है। आइए, मैं आमंत्रित कर रही हूँ मनोज शुक्ला जी को, संस्कारधानी के वरिष्ठ कवि, होली के पर्व पर गूंज काव्यमाला में आपका स्वागत है। आइए, होली पर आप सभी मित्रों को नगरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह होली का मौसम ही ऐसा होता है कि फागुन के दिन आ गए, फागुन के दिन आ गए मन में उठे तरंग, फागुन के दिन आ गए मन में उठे तरंग, हंसी ठहाके गूंजते नगर गांव हुड़दंग, नगर गांव हुड़दंग। और अपनी रचना को प्रस्तुत करते हुए, कविता के रस रंग में, कविता के रस रंग में फागुन की सुरताल, कविता के रस रंग में फागुन की सुरताल, सजी हुई साल भी होली की चौपाल, ये फागुन आया है बाहर लाया है, ये होली आई है रंगों को लाई है, नर नारी गोपाल संग, नर नाली नर नारी गोपाल संग चौपालों में भंग, हंसी ठहाके गूंजते तन मन उठे तरंग, की बाले पकाई खेत में लहराई, ये होली आई है रंगों को लाई है, तो फागों की महफिल सजे टिमकी और मृदंग,
फागों की महफिल सजे टिंकी और मृदंग दाऊ पहने झूमरो नाचे मस्त मलंग की होली आई है रंगों को लाई है तू घर घर घूमे टोलियां घर घर घूमे टोलियां हम जोली के संग घर घर घूमे टोलियां हम जोली के संग मस्ती में सब झूमते हाथों में ले रंग वो कोयल कूक रही मधुर माँ घोल रही ये फागुन आया है बहार लाया है और देखिएगा प्रेम रंग में डूब कर किशन बचावे चंग के प्रेम रंग में डूब कर किशन बजावे चंग राधा पिचकारी लिए डाल रही है रंग कि राधे किशन की जोड़ी खेलती ब्रज में होरी कि राधे किशन की जोड़ी खेलती ब्रज में होरी और देखिएगा दृश्य कि गांव के दृश्य में क्या कि अरहर झूमे खेत में अरहर झूमे खेत में आम धरे सिर मोर अरहर झूमे खेत में आम धरे सिर मोर खुशियों की बारात में नाचे मन का मोर कि गांव की किस्मत जागी घरों में खुशियां छाई कि गांव की किस्मत जागी घरों में खुशियां छाई तो जंगल में टेसू खिले हसे गांव की नार जंगल में टेसू खिले हसे गांव की नार बागों में चंपा खिली डगर नगर गुलजार ये फागुन आया है बहारे लाया है ये फागुन आया है बहारे लाया है और देखिएगा हमारे बुंदेलखंड की माटी में कि बासंती पुरवाई में भाग रहे सब रोग बासंती पुरवाई में भाग रहे सब रोग फाग ईश्वरी गा रहे गांव शहर के लोग यह होली ऋतु आई सभी के मन भाई ये होली आई है रंगों को लाई है और अंतिम दो लाइन कि दहन करे मिल होलिका दहन करे मिल होलिका मन के जले मलाल गले मिले सब प्रेम से घर घर उड़े गुलाल की एकता हर्षाई प्रगति की डगर दिखाई कि छोड़ो बैर बुराई इसी में सबकी भलाई कि होली आई है रंगों को लाई है। अभी आपके सामने होली की प्रस्तुति दे रहे थे होली की बधाई दे रहे थे माननीय मनोज शुक्ला जी और यहाँ पे एक से बढ़कर एक कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं मुनव्वर राणा जी की चंद लाइनों से पुनः सभी का वंदन करती हूँ कि एक से एक पुरानी बातें आप सबके सामने यहाँ पर वृंदावन की होली का वो दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। कहते हैं ना कि नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है और आप जैसे लोग ही इस गिरती हुई दीवार को थामे हैं और आप जैसे लोग ही इस गिरती हुई दीवार को थामे हैं वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। एक बार पुनः वंदन करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मैं संस्कारधानी के वरिष्ठ कवि माननीय मनोहर चौबे आकाश जी को सारे वातावरण को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एक गजल होली के रंग में स्वागत कि होली ने आकर कर डाला सब कुछ गड़बड़ घोटाला होली ने आकर कर डाला सब कुछ गड़बड़ घोटाला है तो चेहरों के अंदर का चेहरा धो धो कर नया निकाला चेहरों के अंदर का चेहरा धो धो कर नया निकाला है तो जिस जिसने प्यार किया ये रंग देखें जिस जिसने प्यार किया
उसने कर डाला खूब हरा नीला, जिस जिसने प्यार किया उसने कर डाला खूब हरा नीला, गर कुछ अधिक प्यार कर उमड़ा तो कर दिया पकड़ मुंह काला है, कुछ अधिक प्यार कर उमड़ा तो कर दिया पकड़ मुंह काला है। और शेर देखे कि घर के पीछे की गलियों से, घर के पीछे की गलियों से छुप छुप कर भागोगे कितना, घर के पीछे की गलियों से छुप छुप कर भागोगे कितना, जिससे संरक्षण मांग रहे रंग वही डालने वाला है, जिससे संरक्षण मांग रहे रंग वही डालने वाला है। और यह रंग गुलालों का मौसम, ये रंग देखे कि ये रंग गुलालों का मौसम मजबूती भी बतलाता है, यह रंग गुलालों का मौसम मजबूती भी बतलाता है, दिल वालों के घर खुले हुए कमजोरों के घर ताला, दिल वालों के घर खुले हुए कमजोरों के घर ताला है। और घुट रही भंग, घुट रही भंग चढ़ रहा रंग हर जगह नई हुड़दंग मची, घुट रही भंग चढ़ रहा रंग हर जगह नई हुड़दंग मची, हंस रहा आज वह शख्स हमेशा का जो रोने वाला है, हमेशा का जो रोने वाला है। और ये शेर देखे कि है शेख ब्रह्मन एक संग, है शेख ब्रह्मन एक संग लड़वाने वाले हुए दंग, है शेख ब्रह्मन एक संग लड़वाने वाले हुए दंग, यह दौर रहे तो झगड़ों का चोना, यह दौर रहे तो झगड़ों का चोना निकले दीवाला है, यह दौर रहे तो झगड़ों का क्यों ना निकले दीवाला है। और एक शेर ये कि नेताजी बनकर आया है, नेताजी बनकर आया है यह कौन मदारी का बंदर, नेताजी बनकर आया है यह कौन मदारी का बंदर, पहचान नहीं आता लेकिन लगता कुछ देखा भाला है, लगता कुछ देखा भाला है। और ये शेर देखें कि जो रंग लिए आया उस पर, जो रंग लिए आया उस पर उसके ही रंग को डाल दिया, जो रंग लिए आया उस पर उसके ही रंग को डाल दिया, ऐसे शातिर लोगों का तो होली ही सिर्फ हवाला है, ऐसे शातिर लोगों का तो होली ही सिर्फ हवाला है। और सब समझदार बन गए मूर्ख, क्या कहते हैं, सब समझदार बन गए मूर्ख उल्लू गधे सम्मानित हैं, सब समझदार बन गए मूर्ख उल्लू गधे सम्मानित हैं, भाई जी ताऊ लगते हैं, भाई जी ताऊ लगते हैं, लड़का लगता चौटाला है, लड़का लगता चौटाला है। और अंतिम वक्ता देखे कि उत्तर में उत्तर के रंग हैं, दक्षिण में दक्षिण की होली, उत्तर में उत्तर के रंग है दक्षिण में दक्षिण की होली, आकाश आज इस धरती को रंगीन बनाने वाला है, आकाश आज इस धरती को रंगीन बनाने वाला है, होली ने आकर कर डाला सब कुछ गड़बड़। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मनोहर चौबे आकाश जी ने आपके सामने होली के ऊपर रचना प्रस्तुत की कि सब गड़बड़ घोटाला है। तो आइए अब मैं संस्कारधानी के वरिष्ठ हास्य कवि जो कि राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय अध्यक्ष हैं माननीय मनीष तिवारी जी, उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, चंद पंक्तियों के साथ उन्हें सादर आमंत्रित कर रही हूँ भैया को, कि अपना व्यक्तित्व इस कदर संवारे हैं, अपना व्यक्तित्व इस कदर सवारे हैं कि आप हर किसी को प्यारे हैं। अपना व्यक्तित्व मनीष भैया, अपना व्यक्तित्व इस कदर सवारे हैं कि आप हर किसी को प्यारे हैं, आपसे ही प्रकाशित हैं हम, आपसे ही प्रकाशित हैं हम, क्योंकि आप सूरज हैं तभी तो हम सब सितारे हैं। आमंत्रित कर रही हूँ मनीष तिवारी जी। आपके होली में
हम एक दूसरे से ऐसे गले मिले कि जिंदगी भर एक दूसरे के गले पड़े रहे। इसी क्या बात, सद्भावना के साथ, अच्छी कामना के साथ हमें एक आपको शब्द हास्य व्यंग की रचना सुनाता हूँ। स्वागत, सुनिएगा। स्वागत के फरमाइशों से तंग आकर फरमाइशों से तंग आकर पति ने धमका कर पत्नी से कहा, मैंने तुम्हारा बहुत अत्याचार सहा, अब और नहीं सहा जाता, लगता है तोड़ लूं नाता। अरे आज तो तुम गजब ढा रही है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और रुपए मंगा रही है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और रुपए मंगा रही है। सुन भाग्यवान, जिंदगी मोहब्बत में बल खाती, रुपए पास में होते तो राधे माँ गोद में बैठा। जिंदगी मोहब्बत, सारा धर्म जो है पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है। जिंदगी मोहब्बत में बल खाती, रुपए पास में होते तो राधे माँ गोद में बैठाती। न मेरी मति फिरती, न तेरे संग फेरा होता, अपन भी पहुंचे हुए सिद्ध बाबा होते, अपना भी एक डेरा। मेरी मति फिरती, न तेरे संग फेरा होता, अपन पहुंचे हुए सिद्ध बाबा होते, अपना भी एक डेरा होता। रोज रोज की किचकिच से दूर हो जाते हनी की प्रीत में मशहूर। धरती से ले जाते सीधे बैकुंठ, धरती से ले जाते सीधे बैकुंठ के पैसेंजर, लोग हमें भी कहते गॉड का मैसेंजर। लोग हमें भी कहते गॉड का मैसेंजर। अरे बिना पत्नी और व्यंग देखिए साहब, बिना पत्नी के पति होता बड़ी तोप है, बाबा बनू या प्रधानमंत्री, स्कोप ही स्कोप है। बिना पत्नी के पति होता बड़ी तोप है, बाबा बनू या प्रधानमंत्री, स्कोप ही स्कोप है। अरे मैं तो खरा सिक्का हूँ, कहीं भी चल जाऊंगा, ज्यादा प्रताड़ित करोगे तो आज ही हरिद्वार में कल जाऊंगा। सुनकर पति की बात, पत्नी को लगा आघात, झुंझलाते हुए बोली, आज भी सिरसा का दरबार हरा भरा है, महिलाओं के स्वागत सम्मान के लिए 24 घंटे खुला है, सीधे सीधे रुपए निकालो वरना सारी इज्जत धो जाऊंगी, तुम्हें राधे माँ मिले ना मिले मैं राम रहीम के डेरे में भर्ती हो जाऊंगी। तुम्हें राधे माँ मिले ना मिले मैं राम रहीम के डेरे में भर्ती हो जाऊंगी। सुनकर पत्नी के ताने, पति लगा समझाने, और पंक्तियां सुनिएगा दोस्तों, सुनकर पत्नी के ताने, पति लगा समझाने, इन फर्जी संतों ने भावनाओं को डसा है, इनके फेंके जाल में हर आदमी फंसा है। इन फर्जी संतों ने भावनाओं को डसा है, इनके फेंके जाल में हर आदमी फंसा है। मेरा तुम्हारा प्यार भरा मेल है, मैं तेरा कैदी और तू मेरी जेल है। मैं तेरा कैदी और तू मेरी जेल है। और फिर अच्छी पंक्तियां आ रही दोस्तों कि यज्ञ के समान पावन पुनीत हर कर्म है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा धर्म है। यज्ञ के समान पावन पुनीत हर कर्म है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा धर्म है। बस हंसते गाते गमों में मुस्कुराते इसी धर्म को अपनाओ, ना हम कहीं जाएं, ना तुम कहीं जाओ। आज के झगड़े का कोटा हुआ पूरा, एक दूसरे के बिना हमारा जीवन है अधूरा, इसलिए आप तत्काल किचन में जाइए, मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बनाइए। जरा ही देर में पत्नी चाय ले आई थी, हम मुस्कुराए, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को भाए, लग रहा था कि समस्त प्रकार के मनोभावों से नेक हो गए थे, और भक्ति भाव दर्शाते दर्शाते थोड़ी देर में एक हो। मनीष भैया अभी आपके सामने हास्य व्यंग की बहुत ही प्यारी रचना प्रस्तुत कर रहे थे, और खास तौर पे पत्नी पे लोग बहुत लिखते, मैंने सुना बहुत ज्यादा, मतलब पत्नी पे लिखा जाता है, तो प्यार की कुछ बातें कर रहे थे मेरे भाभी जी से सुनते देखा, तो आंखों ही आंखों में मनीष भैया इकरार होता है, आंखों ही आंखों में इकरार होता है, उसी इकरार का नाम प्यार होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि मिश्रा जी मेरे पति मुझसे कहने लगे कविता सुनाओ, अब रोज रोज कविता सुनाओ, मैंने सुना भाभी जी रोज रोज परेशान हो जाती कविता सुनते सुनते मनीष भैया की। तो मतलब मैंने मिश्रा जी ने कहा
की कविता सुन लो। मैंने कहा मेरी भी सुन लो। तो मैंने कहा तुम मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, तुम मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, ना तू सुखी ना मैं सुखी, चलो हाथ पे हाथ डाले और पूछ जाए, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसा कुछ हाल हो जाता है कभी कभी पत्नी और पत्नियों का। लीजिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आपके सामने युवा कवि सत्येंद्र गोटिया जी को। आइए सर स्टार्ट करिए। सभी लोगों को होली के पर्व पर हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और जैसा कि हमारे बीच में बुजुर्ग लोग उपस्थित हैं और संस्कार धानी में हम खड़े हुए हैं, तो संस्कारों से ही दो लाइनों से अपने पानी को प्रेरित करूँगा कि उतनी दौलत भी कहाँ बादशाहों के खजाने में, उतनी दौलत भी कहाँ बादशाहों के खजाने में जितनी हमने पाई माँ बाप के पैर दबाने। और तुम लाख घूमो मंदिर मस्जिद या घूमो गुरुद्वारों में, तुम लाख घूमो मंदिर मस्जिद या घूमो गुरुद्वारों में, तुम्हें सफलता यूं ही नहीं मिलेगी जब तक सेवा नहीं करोगे उन भगवानों की जिनके पड़े हो तुम द्वारों में। और हमारी जन्मभूमि बुंदेलखंड ही है, तो गांव में अक्सर देखा हमने दिवाली से लेके होली तक जो गांव के दामाद होते थे वो आके कैसे रहते हैं और उनका क्या होता है, क्या हाल होता है। स्वागत आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। लुगाई की बातों में आ गए वे सब कछु बेच के खा गए, लुगाई की बातों में आ गए वे सब कछु बेच के खा गए, और तारो लगा दो कोठली गया मैं डेरा बंद करो कोठली गया, तारो लगा दो कोठली गया मैं डेरा बंद करो कोठली गया मैं, और ससुराल की दल लगी रास्ता तीन दिन से नहीं मिलू नाश्ता, ससुराल की दल लगी रास्ता तीन दिन से नहीं मिलू नाश्ता, और ससुराल में रहने लगे लाते बातें सहने लगे। क्या बात है। ससुराल में रहने लगे लाते बातें सहने लगे, और सभी लोगों की तालियां चाहूंगा इस बात पर कि धोती पहने जुल्फे रखा है, धोती पहने जुल्फे रखा है भैया फिर रहे परों को खाए, धोती पहने जुल्फे रखा है भैया फिर रहे परों को खाए, एक दिन गुस्सा हो गई सास कहने लगी हमारे बाबू की हो जा सत्यानाश, इतने में आ गई सारी तो देने लगी गारी, इतने में आओ सारो कहीं इसका बांध के मारो, इतने में आओ सारो कहने लगे इसका बांध के मारो, एक साल से पसरो है बेझा असरो है बैठ जाता है भरवे बेलों का नहीं दे रो चरवे, और बेला हो गए मरवे बोनी डरिए हो गए खो, और जो आ गो है सो वे खो। और चुनावी माहौल चल रहा है तो अभी देखिए क्या चल रहा है। अभी मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान में जाके, तो छोटी सी एक छंद बनाया था। स्वागत कि भाजपा उछल रही कांग्रेस सिमट गई, आम आदमी के देखो कितने बुरे हाल हैं, ये आम आदमी नहीं वो आम आदमी, कि भाजपा उछल रही कांग्रेस से सिमट गई, आम आदमी के देखो कितने बुरे हाल हैं, और जो हो रहे थे लाल लाल उनके हो गए बुरे हाल, मोदी ने देखो कैसा कर दिया कमाल है। अभी आपके सामने प्रस्तुति दे रहे थे संस्कारधानी के युवा कवि सत्येंद्र गोटिया जी, जिनकी जुबा पर ताले पड़े होते हैं, जिनकी जुबा पर ताले पड़े होते हैं उनके दिलों में दर्द बड़े होते हैं, जिनकी जुबा पर ताले पड़े होते हैं उनके दिलों में दर्द बड़े होते हैं, भूलना मत किसी अंबर में नहीं रत्न तो जमी में गड़े होते हैं। और ऐसे ही संस्कारधानी के रत्नों को हमने ढूंढ निकाला है, और उनमें से एक रत्न संतोष नेमा जी के रूप में हम काव्यमाला में प्रस्तुत। आइए स्वागत है संतोष नेमा जी का। आप सभी नगरवासियों को होली के पर्व पर बहुत बहुत पावन शुभकामनाएं। होली का यह पर्व आपके जीवन में नित नई खुशियाँ और नए आयाम लेकर आए। मैं होली के इस माहौल में कुछ मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आओ सबका सम्मान करें हम होली में, आओ सबका सम्मान करें हम होली में, आओ प्रेम का गान करें हम होली में,
जाति पांच के सभी भेद भुलाकर, जाति पांच के सभी भेद भुलाकर दिल से सबका सम्मान करें हम होली में, दिल से सबका सम्मान करें हम होली में। अक्सर होता है कि लोग बोलते हैं कि त्योहार फीके हो गए, उस पर से कुछ पंक्तियां मैंने कही हैं। कोई कहता है कि त्योहार फीके हो गए, कोई कहता है कि त्योहार फीके हो गए, दर हकीकत है कि व्यवहार फीके हो गए, दर हकीकत है कि व्यवहार फीके हो गए। मतलबी लोग हैं, मतलबी लोग हैं, रिश्ते भी मतलबी आखिर, मतलबी लोग हैं, रिश्ते भी मतलबी आखिर, आजकल प्यार के इजहार फीके हो गए, आजकल प्यार के इजहार फीके हो गए। कुछ दोस्ती पर कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ कि दोस्ती के हाथ भी अब नुकीले हो गए, दोस्ती के हाथ भी अब नुकीले हो गए, आदमी भी आजकल यहाँ यारो जहरीले हो गए, आदमी भी आजकल यारो जहरीले हो गए। गली गली बैठे हैं दुशासन ताक में, गली गली बैठे हैं दुशासन ताक में, शुक्र है उनकी बेटी के हाथ पीले हो गए, शुक्र है उनकी बेटी के हाथ पीले हो गए। कुछ और पंक्तियां कि जिंदगी गीत है गाते रहिए, जिंदगी गीत है गाते रहिए, कोई रूठा है मनाते रहिए, कोई रूठा है मनाते रहिए, चार दिन का मेला है जिंदगी, चार दिन का मेला है जिंदगी, मिलिए और मिलाते रहिए, मिलिए और मिलाते रहिए। कुछ और पंक्तियां आपके खिदमत में प्रस्तुत कर रहा हूं कि मिलता है बड़े भाग से, मिलता है बड़े भाग से दर प्यार का हमें, मिलता है बड़े भाग से दर प्यार का हमें, होली के रंग गुलाल से सत्कार का हमें, होली के रंग गुलाल से सत्कार का हमें, मलिए खूब गुलाल परस्पर होली में, मलिए खूब गुलाल परस्पर होली में, रखना नहीं मलाल परस्पर होली में, रखना नहीं मलाल परस्पर होली में, चले प्रेम की पिचकारी लेकिन दिल में, चले प्रेम की पिचकारी लेकिन दिल में, होना कुटिल सवाल परस्पर होली में, होना कुटिल सवाल परस्पर होली में। एक अंतिम उक्तक, मिलता है बड़े भाग से, मिलता है बड़े भाग से दर प्यार का हमें, होली के रंग, होली के रंग गुलाल से सत्कार का हमें, होली मनाए संग दिल के सखी सुनो, होली मनाए संग पिया के सखी सुनो, होली मनाए संग पिया के सखी सुनो, मौका मौका मिला है सुरनुमा त्योहार का हमें, मौका मिला है सुरनुमा त्योहार का हमें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे संतोष नेमा संतोष जी को। अपने पन की भंग चढ़ा लो, अपने पन की भंग चढ़ा लो, भाईचारे से तुम रंग डालो, एक सूत्र में बंधे रहे हम, आओ मिलकर कसम उठा लो, आओ मिलकर कसम उठा लो। आइए, मैं आमंत्रित कर रही हूँ निशांत दुबे जी को, जो कि युवा कवि हैं और यहाँ सभी के साथ, आज हम सबके साथ में युवा कवि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रही हूँ, निशांत दुबे जी। तो दृश्य कुछ ऐसा था कि नेता जी चुनाव जीतने के बाद जी नहीं नहीं चुनाव जीतने के बाद में कारीगर के पास जाते हैं और जो उन्होंने कुर्सी ऑर्डर पे दी थी उस कुर्सी को मांगने का उनका तरीका देखिए। स्वागत नेताजी। अरे वो कारीगर, ये जो कुर्सी तुम्हें बनाने को दी है ये तो पड़ी है, ना तो चार पाए हैं और ना ये खड़ी है। वाह वाह। तो कारीगर, अरे तुम जो भी हो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल आना और साथ में पैसे भी लाना। वाह वाह वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेताजी तुम शर्मा हो या वर्मा हो या विश्वकर्मा हो, तेरा कोई भी धर्म हो या कोई गरिमा, मेरी बात ध्यान से सुन, चार पाए लगा दो कि ये कुर्सी हमारी है, बड़ी मुश्किलों से इस बार हमने बाजी मारी। वाह वाह, कि अब ये कुर्सी मेरी है तो ये देश भी मेरा है, तू भी मेरा है, तेरी संपत्ति भी हमारी है। वाह वाह वाह, ये कॉलेज, ये स्कूल, ये रोड, ये सब हमारी है, ये कॉलेज, ये स्कूल, ये रोड, ये सब हमारी है। आई थिंक यू डोंट नो, अब हिंदी के दिन लद गए, अब अंग्रेजी का व्यापार भारी। अच्छा भाई, अच्छा है, अच्छा। अब अंग्रेजी हिंदी के दिन लद गए,
कि अब अंग्रेजों के बाद हमारी संपत्ति हड़पने की बारी है। ये ऐसे नहीं उतरेगी, ये ऐसे नहीं उतरेगी, ये मदरा की नहीं कुर्सी की खुमारी। तुम्हारी आजादी के दिन लद गए कि अब ये तुम्हारी आजादी भी हमारी है। अब क्या कोयला क्या स्पेक्ट्रम, क्या कोयला क्या स्पेक्ट्रम, अब ये भी लगते हैं कम, अब तो हमारी इंटरनेशनल घोटाले की तैयारी। वाह वाह। ये मोबाइल में ये दिक्कत रहती है। अब ये मेरा पहला अनुभव था। अब हमारी इंटरनेशनल घोटालों की तैयारी है। इंडिया शाइनिंग तो हो गया, इंडिया शाइनिंग तो हो गया, अब पॉलिश की बारी है। दो पग में दुनिया नापने की तैयारी है, दो पग में दुनिया नापने की तैयारी है। मार्गदर्शन करने वाले भ्रष्टाचारियों के हम आभारी हैं, मार्गदर्शन करने वाले भ्रष्टाचारियों के हम आभारी हैं। सुर नर मुनि जन सेवत, हम भी तो लक्ष्मी के पुजारी हैं, हम भी तो लक्ष्मी के पुजारी हैं। आपके ही वोटों से बनी सरकार हमारी है, चुना आपने तो क्या गलती हमारी, चुना आपने तो क्या गलती हमारी है। पिताजी भी तो कहते थे सब भाई हैं और भारत माँ हमारी। इस पर कारीगर का जवाब सुनिए, अंततः वह चरणों में गिरकर माफी मांगते हुए कहता है, माई बाप तुम ही हो ब्रह्मा विष्णु तुम ही हो, माई बाप तुम ही हो ब्रह्मा विष्णु भी तुम ही हो। जहां भगवान भी ना पहुंचे वहां भी जिसकी पहुंच हो, ऐसे परम प्रतापी तो केवल तुम ही हो, ऐसे परम प्रतापी तो केवल तुम ही हो। माई बाप कर दो माफ, माई बाप कर दो माफ, तुम्हारी दया दृष्टि ना हो तो कहीं दुनिया से मैं ना हो जाऊं साफ। इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपके सामने अपनी कटाक्ष व्यंग के साथ अपनी प्रस्तुति दे रहे थे निशांत दुबे जी। वाकई में कुर्सी पर जो उन्होंने कटाक्ष व्यंग किया वो साकार है। पुराने बुजुर्ग आज भी पछताते हैं, कहते हैं कम से कम उस जमाने में इतनी तो जमाखोरी नहीं थी, हर कार्य की कीमत होती थी, समय का महत्व था। किंतु आज इतने वर्षों के बावजूद भी हम गुलाम नजर आते हैं। फर्क इतना है कि पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज हम अपनों के गुलाम हैं। हमने उन्नति की है, विकास किया है, किंतु भ्रष्ट अफसरशाही में, स्वार्थ में, नीति में, अंजामे पुलिसता क्या होगा जहाँ हर साफ पिबली बैठा है। आज हमें जरूरत है निजी स्वार्थों से लड़ने की, राजनीति की परिभाषा को चरितार्थ करने की, तभी हम पुनः भारत को सोने की चिड़िया बना पाएंगे। आइए, मैं आमंत्रित कर रही हूँ गूंज संस्था के संस्थापक माननीय उमेश मिश्रा जी को होली की शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी को रंग बिरंगे इस पर्व की शुभकामनाएं। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हमारे साथी कवियों ने आप तक पहुँचाई, मैं भी एक प्रयास करता हूँ, थोड़े नए टाइप की नए प्रकार की कविता है। स्वागत। और पत्नी नारी की महानता को दर्शाती हुई कविता है कि मैंने पत्नी से कहा, मैंने पत्नी से कहा आज होली है, वो झल्ला कर बोली तो क्या करूं। मैंने पत्नी से कहा आज होली है तो वो झल्ला कर बोली क्या करूं। मैं बोला ढेर सारा रंग बना लूंगा और सारा का सारा तुम ही बढ़ा लूंगा। वाह। ढेर सारा रंग बना लूंगा और सारा का सारा तुम ही बढ़ा लूंगा। वो झपट कर बोली सोचना भी मत, उसी के साथ खेलो जिसके साथ पिछले साल खेली है, मुझे सब पता है तुम्हारी एक और सहेली है। मैंने सफाई दी कैसी बातें करती हो, मैं तो तुम्हारी अदाओं का मारा हूँ और सिर्फ तुम्हारा ही तुम्हारा हूँ। हाथ में पिचकारी लूंगा, हाथ में पिचकारी ले लूंगा और तुमसे ही होली खेलूंगा। मैंने पूछा भांग खाओगी, मैंने पूछा भांग खाओगी, पट से बोली यहाँ बैठकर मुझे मत पटाओ, जाके अपनी सहेली को खिलाओ, यहाँ बैठकर मुझे मत पटाओ, जाके अपनी सहेली को खिलाओ। मैंने कहा यूं बात बात पर मुझ पर व्यंग ना करो, त्योहार में मुझे तंग ना करो। मैंने कहा यूं बात बात पर मुझ पर व्यंग ना करो, त्योहार में मुझे तंग ना करो। वो बोली बहुत दिनों से भरी बैठी हूँ, मुझे मत उकसाओ,
बहुत दिनों से भरी बैठी हूँ, मुझे मत उकसाओ, और खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। उकसाओगे तो बहुत पछताओगे। जाओ, यहाँ बैठकर कथा मत बाँचो। बाहर डीजे बज रहा है, अपनी सहेली के साथ नाचो। बाहर डीजे बज रहा है, अपनी सहेली के साथ नाचो। सुनते ही मेरी तबीयत पस्त हो गई और बीबी इतना कहकर व्हाट्सएप में खो गई। सुनकर मेरी तबीयत पस्त हो गई और बीबी व्हाट्सएप में खो गई। तभी बाहर से आवाज आई, बड्डे बाहर आओ, बड्डे बाहर आओ, नाचो गाओ, होली मनाओ। मैंने बीबी की ओर देखा, उसने आंखें तरेरी। मैंने मुस्कान का गुलदस्ता फेंका, उसने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा। त्योहार का सत्यानाश हो गया और मैं चादर तान के सो गया। अब एक नारी की महानता को दर्शाती अगली पंक्तियां कि त्योहार का सत्यानाश हो गया और मैं चादर तान कर सो गया। आखिर उसे मेरी हालत पर तरस आया, उसने मुझे उठाया और बोली, मैं रुक्मणी हूँ तुम्हारी अर्धांगनी हूँ, दुनिया से अनजानी है मगर राधा भी तो तुम्हारी दीवानी है। आवाज लगाओ उसे भी बुलाओ, सारे शिकवे गिले भुलाएंगे और हम साथ मिलकर होली मनाएंगे। आइए संस्कारधानी की साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना के रथ की वलगाएं जिन सशक्त हाथों ने थाम रखी हैं, मेरी छोटी बहन माधुरी मिश्रा से मैं आग्रह करता हूँ वे आए और आज की इस काव्य निशा के समापन का काव्य पाठ कर सभी को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करने की कृपा करें। स्वागत, पुनः होली की सभी को शुभकामनाएं। और आज मैं एक ऐसी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो आकाशवाणी में जिनके मार्गदर्शन में लिखी गई थी, माननीय डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी, जिन्होंने इस रचना के लिए बहुत ही भावुक रूप से मुझे बेटी की पीड़ा के विषय में कुछ बातें बताई और ये रचना बोला कि तुम इस रचना को लिख कर लाओ, और उनके ही शब्दों को इस रचना में मैंने अभिव्यक्ति दी है। लीजिए आज आपके सामने बैजनाथ गौतम जी, जिन्होंने आकाशवाणी में इस रचना को सुना और कुछ लोगों को और भी बुलवाया था कि देखो माधुरी ने ये रचना लिखकर लेकर आई है, मैंने जो बोला लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है। बेटी को तो पग पग पर हर एक बात पर रोका है, बेटी को तो पग पग पर हर एक बात पर रोका है, एक दफा क्या तुमने अपने बेटे को भी टोका है। बेटी को तो हर एक बात पर पग पग पर रोका है, एक दफा क्या तुमने अपने बेटे को भी टोका है। वाँ 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 वाँ। बेटे को स्वच्छंद बनाया, बेटी को पाबंद रखा, बेटे को स्वच्छंद बनाया, बेटी को पाबंद रखा, बेटी पर सीमाएं बांधी, बेटे पर मुंह बंद रखा। अच्छा भाई, अच्छा। बेटे को स्वच्छंद बनाया, बेटी को पाबंद रखा, बेटी पर सीमाएं बांधी, बेटे पर मुंह बंद रखा, खुला आसमां बेटे को, खुला आसमां बेटे को, बेटी को चूल्हा चौका है, खुला आसमां बेटे को, बेटी को चूल्हा चौका है, एक दफा क्या तुमने अपने बेटे को भी टोका। क्या बात है, क्या बात है। एक को समझा भार, एक को समझा भार, दूसरे को वरदान समझते हो। एक को समझा भार, दूसरे को वरदान समझते हो, एक को वारिस दूजे को हरदम मेहमान समझते हो। एक को समझा भार, दूसरे को वरदान समझते हो, एक को वारिस दूजे को हरदम मेहमान समझते हो, तो अतिथि देव समान, तो अतिथि देव समान, करो खातिरदारी तुम मौका है, तो अतिथि देव समान, करो खातिरदारी तुम मौका है, एक दफा क्या तुमने अपने बेटे को भी टोका। शक्ति पूजक देश हमारा, बेटी शक्ति का अवतार, शक्ति पूजक देश हमारा, बेटी शक्ति का अवतार, प्रतिमाओं की पूजा करते अवतारों पर अत्याचार, बेटी साहिल तक ले जाने वाली
एक अद्भुत नौका है बेटी, साहिल तक ले जाने वाली एक अद्भुत नौका है। एक दफा क्या तुमने अपने बेटे को भी टोका है? तन से ये हो जाए पराई, पर मन से नहीं होती। तन से ये हो जाए पराई, पर मन से नहीं होती। ठुकरा दे तुम्हें सारी दुनिया, ठुकरा दे तुम्हें सारी दुनिया, विमुख नहीं ये होती। ठुकरा दे तुम्हें सारी दुनिया, विमुख नहीं ये होती। महकाए जो जीवन को मधु, वो खुशबू सा झोंका है। महकाए जो जीवन को मधु, वो खुशबू सा झोंका है। एक दफा क्या तुमने अपने बेटे को भी टोका है? वाह भाई वाह 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 वाह, तुमने अपने बेटे को भी टोका है। वाह वाह बढ़िया। इसी के साथ मैं सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अगले सप्ताह हम और कवियों के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए गूंज काव्यमाला पैसन म्यूजिक टीवी पर। धन्यवाद।